वक्त एक और बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय पर शुरू हुई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद मौजूद हैं। एनआरसी और आने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया जा सकता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, जिसमें कद्दावर नेता कांग्रेस के वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ गुलाम नबी आजाद भी वहां पर मौजूद हैं। मीटिंग में आपको बता दें, कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। एनआरसी और आने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस मुख्यालय पर शुरू हो चुकी है मीटिंग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद भी मौजूद हैं, और भी कई कद्दावर नेता वहां पर मौजूद हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। एनआरसी का जिसमें मुख्य मुद्दा रहा है, इस समय गरमाया हुआ है, उस पर चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाए, और विधानसभा चुनावों पर भी मंथन किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनआरसी और आने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन किया जा सकता है। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद, साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और हमारे संवाददाता आलोक मैसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आलोक, अब मीटिंग शुरू हो चुकी है, कौन कौन वहां पर आया है? देखिए, कांग्रेस की मीटिंग शुरू हो चुकी है और सारे दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं इस मीटिंग में शामिल हैं। एनआरसी के मुद्दे को लेकर ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और जो आने वाले चुनाव है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी इस मीटिंग में। जी, इसके अलावा क्या मुख्य मुद्दे किए जा सकते हैं वहां पर, जिन पे चर्चा हो सकती है? जी देखिए, सबसे अहम मुद्दे दो ये लेके मीटिंग कर रहे हैं। एक तो एनआरसी का मुद्दा, जो पूरे समूचे भारत के अंदर इस मुद्दे को गरमाया हुआ है, और दूसरा मुद्दा ये कि जो 2019 के अंदर चुनाव है उसकी रणनीति तैयार की जा रही है, किस तरीके से बीजेपी को हराया जाए, किस तरीके से और विपक्ष एक हो, उन सबको लेके आज इस तमाम मुद्दों को लेके आज बैठक है। जी आलोक, कब तक चलेगी ये मीटिंग, लगभग कितनी देर तक होने की संभावना है? देखिए, अभी तो ये मीटिंग शुरू ही हुई है, अभी थोड़ा टाइम तक चलेगी, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कितने समय तक चलेगी। जितना जरूरी होगा उतनी देर तक ये लोग अपनी मीटिंग करेंगे। जी आलोक, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता आलोक मैसी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय पर सीवीसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आजाद भी वहां पर मौजूद हैं। मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो एनआरसी का रहेगा।